टाटा मोटर्स की नेक्सॉन एसयूवी का प्रोडक्शन 150,000 मॉडल्स के पार जा चुका है। टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन एसयूवी के 150,000 मॉडल को अपने पुणे प्लांट से डिस्पैच किया है। पुणे में टाटा मोटर्स का प्लांट रंजन गांव में है। ये पिक्चर्स टाटा नेक्सॉन एसयूवी के 150,000 मॉडल की हैं। नेक्सॉन एसयूवी के 150,000 प्रोडक्शन को सेलिब्रेट करने के लिए टाटा मोटर्स ने इस बैनर को भी रिलीज किया है। इन बैनर्स पर नेक्सॉन एसयूवी के 150,000 मॉडल्स के प्रोडक्शन माइलस्टोन को दिखाया गया है। टाटा मोटर्स के पोर्टफोलियो में नेक्सॉन सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। पिछले महीने यानी अक्टूबर 2020 में टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन एसयूवी के 6,888 मॉडल्स को सेल किया है। ये सेल्स फिगर सबसे हाईएस्ट है जो कि टाटा नेक्सॉन ने अक्टूबर 2020 में अचीव किया है। कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में सेल्स के मामले में टाटा नेक्सॉन महिंद्रा एसयूवी 3 डेवलो और फोर्ड इकोस्पोर्ट से काफी आगे है। फोर्ड इकोस्पोर्ट और महिंद्रा एसयूवी 3 डेवलो को बीट करने के साथ टाटा मोटर्स की नेक्सॉन एसयूवी ने होंडा WRV और टोयोटा अर्बन क्रूजर को भी सेल्स के मामले में बीट किया है। इंडिया का कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट ऑलरेडी बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव है, लेकिन कॉम्पिटिशन बढ़ने के बावजूद टाटा मोटर्स की नेक्सॉन एसयूवी इस सेगमेंट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन एसयूवी को 2017 में इंट्रोड्यूस किया था। सितंबर 2017 में इंट्रोड्यूस होने के बाद सितंबर 2018 में इस एसयूवी के सेल्स 50,000 को क्रॉस कर चुके थे। 50,000 सेल्स को अचीव करने में टाटा मोटर्स की नेक्सॉन एसयूवी को 1 ईयर का समय लगा था। 50,000 सेल्स मार्क को टच करने के बाद सितंबर 2019 में टाटा मोटर्स की नेक्सॉन एसयूवी ने 1 लाख सेल्स को टच किया था। इसी साल यानी जनवरी 2020 में टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन एसयूवी के फेसलिफ्ट मॉडल को इंट्रोड्यूस किया था। नेक्सॉन फेसलिफ्ट को टाटा मोटर्स ने इंपैक्ट 2.0 डिजाइन लैंग्वेज पर तैयार किया था। टाटा मोटर्स नेक्सॉन एसयूवी को 1.2 लीटर के टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर के टर्बो डीजल इंजन के साथ ऑफर करती है। 6-स्पीड मैनुअल के साथ टाटा मोटर्स इस कार में AMT ट्रांसमिशन को भी ऑफर करती है। कुछ समय पहले ही टाटा मोटर्स ने नेक्सॉन एसयूवी को एक छोटा सा डिजाइन अपडेट दिया है। इस एसयूवी की ग्रिल में टाटा मोटर्स ने थोड़ा सा चेंज किया है। अब आपको टाटा नेक्सॉन एसयूवी में ट्राई एरो के बजाय बाई एरो ग्रिल देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप इन दोनों ग्रिल्स के बीच में डिफरेंस को देख सकते हैं। तो दोस्तों, कमेंट करके आप हमें बताएं कि टाटा मोटर्स की नेक्सॉन कॉम्पैक्ट एसयूवी के बारे में आपके क्या थॉट्स हैं। और दोस्तों, ऐसे ही ऑटो अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। Thank you.